नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू को हिंसक कहा वह निंदनीय है। ऐसे लोगों को सनातन समाज को मंदिर में घुसने नहीं देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि सनातनियों को वैसे नेताओं की सभा व कार्यक्रम से भी दूर रहना चाहिए। सनातन धर्म पर मुगलों ने हमला किया, मंदिरों को तोड़ा गया, अंग्रेजों ने देश को लूटा। सनातन धर्म के लोग सभी हमले को सहन करने के बाद भी आज खड़े हैं। अब आपको बता दें कि मंगलवार को गोपालगंज के बंजारी मोड़ स्थित विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार के आवास पर प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को सनातन धर्म पर बोलने का कोई हक नहीं है। वे क्या बोले हैं उनको पता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की भूमि पर अपनी पगड़ी उतारने जा रहा हूं। पगड़ी उतारने की तिथि उसी दिन तय हो गई थी जब महागठबंधन की सरकार से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। उनके साथ राज्य के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, सदर विधायक कुसुम देवी, बरौली विधायक राम प्रवेश राय सहित कई नेता व कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। बता दें कि अयोध्या में सरयू नदी में स्नान के बाद सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा उतार दिया है। उसके साथ उन्होंने अपना मुंडन भी कराया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पगड़ी भगवान राम के चरणों में समर्पित करेंगे। अब जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का बयान राहुल गांधी के खिलाफ सामने आता दिखाई दे रहा है, ऐसे में बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो सियासत है वो गर्मा चुकी है।